दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। KFC चिकन कहां से आता है? Where KFC चिकन कम फ्रॉम? दोस्तों अगर आप भी KFC चिकन खाते हैं तब तो आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप KFC से चिकन तो खा लेते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है ये KFC का चिकन आता कहां से है? कुछ लोगों का कहना होता है कि KFC का चिकन महीनों पुराना मतलब सड़ा हुआ होता है, जिस पर स्प्रे लगाकर लोगों को खिलाया जाता है। कहीं आप भी KFC का स्प्रे वाला चिकन तो नहीं खाते, क्योंकि इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं KFC चिकन का पूरा प्रोसेस। दोस्तों KFC के बारे में तो आपने सुना ही होगा और बहुत से लोगों को तो इसे खाना भी बड़ा पसंद है। हाँ, इसका दाम थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन फिर भी इसे खाना नहीं भूलते लोग, क्योंकि इसका स्वाद बाकी चिकन से बहुत अलग और बढ़िया होता है। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है जो KFC चिकन आप खाते हैं इसका स्वाद इतना अलग क्यों होता है? क्या ये अमेरिका से आता है या फिर इसे पाकिस्तान से मंगवाया जाता है? तो दोस्तों इस वर्ल्ड फेमस KFC चिकन के बारे में हर एक बात जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके मनपसंद चिकन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं KFC चिकन का स्वाद बाकियों से बहुत ही ज्यादा अलग होता है, और इसीलिए लोगों का ये मानना है कि इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला चिकन अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया से आता है। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका ये मानना है कि ये चिकन लोकल मार्केट से खरीदा जाता है और फिर इसमें इनके सीक्रेट मसाले डालकर इसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे, अमेरिका में KFC चिकन के नाम पर केवल चिकन नहीं बेचा जाता बल्कि वहां पर मॉडिफाइड चिकन बेचा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे भला ये मॉडिफाइड चिकन कौन से खेत की मूली है? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, नॉर्मल चिकन को लैब में टेस्ट करने के बाद उसके जेनरिक हार्मोन को बूस्ट किया जाता है ताकि उससे चिकन की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, और ये काम केवल अमेरिका में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। अब हम आपको जो वीडियो दिखाने वाले हैं उससे आपको इसका एक दूसरा पहलू भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जब चिकन का स्टॉक खत्म हो जाता है तो ये लोग पास के सुपर मार्केट से जाकर फ्रेश चिकन लेकर आते हैं ताकि अपने ऑर्डर पूरे कर सके, जिसका नमूना इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे दो वर्कर सुपर मार्केट में चिकन की शॉपिंग कर रहे हैं और इन्होंने भर भर के चिकन खरीदा है, और जो बंदा इन लोगों की वीडियो बना रहा है वो बहुत ही ज्यादा हंस रहा है ये सोचकर कि जिस KFC से हम बड़े शान से चिकन खरीदते हैं वहां पर तो चिकन को वहीं से खरीदा जा रहा है जहाँ से नॉर्मल लोग खरीदते हैं। खैर ये तो हो गई विदेशों की बात। अब आते हैं हमारे महान देश भारत में, जहां पहली बात तो मॉडिफाइड चिकन बेचना बिल्कुल भी वर्जित है, इसलिए यहां पर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का चिकन इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए यहां पर कुछ स्पेसिफिक जगह भी है जहां से KFC चिकन लाए जाते हैं। वैसे तो ये एरिया वाइज डिपेंड करता है, और कई बार KFC चिकन की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने आसपास के एरिया में जो सबसे बेस्ट चिकन प्रोवाइडर होते हैं उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर अपना चिकन मंगवाते हैं। लेकिन अधिकतर अगर बात की जाए, पुणे में स्थित गोदरेज फैसिलिटी साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा चिकन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, जो KFC की 45% डिमांड अकेले ही पूरी करती है। वैसे कोयम्बटूर में एक और कंपनी है जो KFC चिकन प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों पहली बात तो KFC का चिकन साइज थोड़ा अलग होता है और उसकी क्वालिटी भी बाकियों से बहुत अलग होती है, इसलिए बहुत ही खास जगह पर इसका ऑर्डर दिया जाता है। पिछले 2 सालों से आरामबाग चिकन जो कि वेस्ट बंगाल में मौजूद है वो अकेले नॉर्थ इंडिया में KFC का 70% डिमांड पूरा कर रहा है। इसके अलावा वैंकेज चिकन भी KFC के सप्लायर्स की लिस्ट में आ गया है। जैसे कि आप समझ गए होंगे KFC का चिकन बहुत ही गिनी चुनी जगहों से आता है। एक तो जितने भी सप्लायर्स का नाम हमने बताया उनके यहाँ से और कुछ लोकल सप्लायर्स होते हैं, उनके यहाँ से भी KFC अपना चिकन खरीदता है, लेकिन लोकल मार्केट से कभी भी KFC का चिकन नहीं आता है। अब आप बोलेंगे भला ये क्यों? KFC चिकन चाहे तो लोकल मार्केट से भी चिकन को खरीद कर उसका चिकन बना सकता है और काफी बढ़िया मुनाफा कमा सकता है। दोस्तों यहाँ पर बात क्वालिटी और ट्रस्ट की होती है। हम सभी को पता है अगर KFC जाएंगे तो वहां पर हमें बढ़िया क्वालिटी का चिकन खाने को मिलेगा, भले ही उसके पैसे थोड़े ज्यादा होंगे लेकिन हमको किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी कई सारी चिकन वाली वीडियोस में बता चुके हैं कि किस तरह फैक्ट्री वगैरह में चिकन को तैयार किया जाता है
और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको मोटा मोटा बताना चाहेंगे कि जितने भी चिकन लोकल मार्केट में बेचे और खरीदे जाते हैं उन्हें इंजेक्शन द्वारा तैयार किया जाता है ताकि ये जल्दी बड़े हो जाएं, क्योंकि जहां बाकी जानवरों को बड़ा होने में कम से कम 1-2 साल का वक्त तो लगता है, वहीं चिकन मात्र 2 महीने में बड़े होकर तैयार हो जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनके शरीर में लगने वाला इंजेक्शन है जो इनके हार्मोनल इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। और फिर इस तरह का चिकन अगर हम खाएंगे तो जाहिर सी बात है बीमारियां हमारे शरीर में घर करना शुरू कर देंगी, और ये चीज KFC बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके कस्टमर्स को किसी भी तरह की कोई निराशा हो। इसलिए उनके मसाले तो बढ़िया होते ही हैं, लेकिन उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चिकन भी बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, ताकि इंसान अगर उसे खाए तो उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी अपनी गिरफ्त में ना ले। वरना तो लोकल मार्केट में खाए जाने वाले चिकन की वजह से एक से बढ़कर एक बीमारियां इंसान को अपनी गिरफ्त में लेने लगती है, फिर चाहे वो चर्बी बढ़ाना हो, दिल से संबंधित बीमारी हो, या फिर इंसान की मर्दानगी से जुड़ी समस्या हो। और हाँ, बच्चों में निकलने वाले पिंपल्स भी अधिक चिकन खाने से और ज्यादा निकलने लगते हैं। इसलिए जितनी भी बॉडी में नेगेटिव बदलाव आते हैं वो इस तरह के लोकल मार्केट से खरीदे गए चिकन से ही आते हैं, क्योंकि इन्हें इंजेक्शन की मदद से तैयार किया जाता है। अब आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप हमेशा बढ़िया क्वालिटी का चिकन खाएं। और हम नहीं कहते कि आपको KFC का चिकन ही खाना है, आप जो मर्जी वो खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह की शानदार वीडियो को जब भी लगातार देखना हो तो हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को अभी कभी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।